तो हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू स्पाई टॉक। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो 5 प्रो के सक्सेसर यानी कि ओप्पो रेनो 6 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। हाँ जी हाँ, ओप्पो रेनो 5 प्रो कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है और आज बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर ओप्पो रेनो 6 सीरीज के 3 स्मार्टफोन सर्टिफाई हो चुके हैं, जिनके नाम है ओप्पो रेनो 6, ओप्पो रेनो 6 प्रो और ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस। और इन तीनों स्मार्टफोन में हमको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलने वाला है। क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देने वाले, क्या प्राइस रहने वाला है और कब तक इंडियन मार्केट में आने वाला है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा, उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिजाइन से। उससे पहले इस वीडियो में मैं जो भी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ वो कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो डिजाइन अभी तक रिवील नहीं हुआ है, पर रियर साइड में हमको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करें इस फोन के डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो यहाँ पे हमको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि कर्व डिस्प्ले, उसके साथ साथ 120Hz वाला हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल होगा, यानी कि यहाँ पे हमको वो कलर्स बड़े पंची देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप मूवीज ज़्यादा देखते हो तो शायद से ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। अब बात आती है इस फोन के रैम वेरिएंट्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन हमको 3 रैम वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट रैम वेरिएंट होगा 8GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, सेकंड वेरिएंट होगा 8GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज और हायर वेरिएंट होगा जहां पे हमको देखने के लिए मिलेगा 12GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज, और इसके स्टोरेज को आप एक्सपांड भी कर पाओगे मेमोरी कार्ड के थ्रू 512GB तक। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमको मीडियाटेक की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है जो कि होने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 जिसका अंतिम स्कोर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। ये मीडियाटेक का अभी तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है। यहाँ पे आप कौन से भी हेवी से हेवी गेम्स को रन कर सकते हो, आपको कोई भी लैग या फिर हीटिंग के इशू देखने के लिए नहीं मिलते और कर्व वाला डिस्प्ले है तो गेमिंग करने में बड़ा मजा भी आने वाला है। अब बात आती है इस फोन के रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में, तो रियर साइड में हमको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा यानी कि 4 कैमराज होंगे, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108MP का जो कि सोनी का सेंसर होगा, सेकेंडरी सेंसर होगा 13MP का वाइड एंगल लेंस, थर्ड सेंसर होगा 8MP का टेलीफोटो लेंस और फोर्थ सेंसर होगा 5MP का डेप्थ या फिर मैक्रो लेंस। अब बात है सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए पंचुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो कि इस फोन के लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्निंग में ऊपर की तरफ होगा, जिसका सेंसर होगा 32 या फिर 44MP का, जिसको आप यूज़ करके 1080p उसके साथ साथ 60fps तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप कोई यूट्यूबर हो, व्लॉगर हो तो शायद ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमको कैमरा के मामले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। अब बात है सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको फेस अनलॉक सिस्टम मिलेगा, सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है तो ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 100% मिलेगा और ए सेकेंड जनरेशन का बहुत ही तेज फिंगरप्रिंट सेंसर रहने वाला है। अब बात आती है इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 5000mAh की एक नॉर्मल मोबाइल बैटरी जो कि आएगी 65W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और उसके साथ साथ ये स्मार्टफोन 30W के वायरलेस फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करने वाला है, पर आपको इन दी बॉक्स 65W का वायर्ड चार्जर देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात है पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, 3.5 मीडियो जैक मिलेगा, उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट देखने के लिए मिलेगा जहाँ आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी का लगा के आराम से यूज कर पाओगे, आपको कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं। फाइनली बात आती है इस फोन के प्राइसिंग के बारे में, जो भी इसका बेस वेरियंट है, जहाँ पे हमको 8GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरियंट हमको 45,000 से 50,000 के प्राइसिंग तक देखने के लिए मिलेगा, और जो इसका हायर वेरियंट है जहाँ पे हमको 12GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरियंट हमको 53,000 से 57,000 के प्राइसिंग तक देखने के लिए मिलने वाला है। क्या आप इस फोन को लेके एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस स्मार्टफोन में, क्या खुश रहना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात है लॉन्च डेट के बारे में, तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये स्मार्टफोन हमको मई के लास्ट क्वार्टर तक देखने के लिए मिल सकता है, तो देखते हैं कब तक आता है और कौन कौन इस फोन का वेट कर रहा है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस फोन को कौन कौन बाय करने वाला है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने की क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर जॉब जरूर मिलेगा, और इंस्टाग्राम पर जब क्वेश्चन पूछने के लिए आओगे तो फॉलो भी कर ही देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।